हाय एवरीवन सो हमने यार ट्रू इंजीनियर के अंदर वन डी एर देख लिया है एंड एरे के इम्प्लीमेंटेशन देख लिया है ठीक है सो आज यार इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं टू डी एर के बारे में एंड हो सकता है कि आपसे इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और डेटा स्ट्रक्चर्स का इंपॉर्टेंट पार्ट यार एरे पढ़ रहे हो तो आपको टू डी आर के बारे में भी बेसिक नॉलेज होना चाहिए ओके okay? सो so, यार आज इस वीडियो के अंदर हम टू डी आर के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं कि छोटी छोटी चीज़ें एंड कैसे क्या अंतर है वन डी एरे में और टू डी एरे में सो so, कैसे क्या इसके बारे में आप लिखने वाले हो वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं ओके तो सबसे पहले बात करें और वन डी एरे की तो वन डी एरे में हम सारे जो डेटा स्टोर करते हैं वो एक डायमेंशन में करते हैं मतलब ये आपको एक लीनियर ऑर्डर में दिख रहा है वो तो सही बात है बट एक स्टैंडर्डली ये एक सिंगल एक्स एक्सेज में आप समझ सकते हो इसको कि आप या तो सिंगल रो में इसको एक्सप्लेन कर रहे हो कि ये सारे जो एलिमेंट इंसर्ट होंगे वो कुछ एक सिंगल रो के अकॉर्डिंग होंगे बट यार अगर हम सेम चीज़ टू डी में बात करें तो टू डी में कलेक्शन होगा मल्टीपल रोज़ का ठीक है तो यहाँ पे मल्टीपल रोज़ का कलेक्शन है अब जब भी मल्टीपल रोज का कलेक्शन होगा तो यहाँ पे यार आप इसको कॉलम वाइज भी इसको बता सकते हो ठीक है सो टू मतलब कि यार ये एक एक्स एक्सेज में भी जा रहा है दूसरा वाई एक्सेस में तो मतलब टू डायमेंशनल हो गया इस तरीके से आप समझ सकते हो तो टू डी को इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो कि यार या आप रो वाइज बता सकते हो कि स्टार्टिंग में सारे एलिमेंट्स आप रो वाइज शॉर्ट करने वाले हो या फिर रो वाइज इंसर्ट करने वाले हो कुछ भी चीज़ है यहाँ पे मान लो कुछ एलिमेंट पड़ा हुआ है तो वो ज़ीरो ज़ीरो में डला हुआ है मतलब यहाँ पे ज़ीरो थ्रो एंड जीरो कॉलम अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स क्योंकि इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट फ्राम द ज़ीरो ठीक है तो ये ज़ीरो इंडेक्स फ्राम रो साइड एंड ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है जीरो इंडेक्स फ्राम द कॉलम साइड अब बट आपके माइंड में डाउट हो रहा होगा भाई तो रो वन है और कॉलम वन है तो आप ज़ीरो जीरो कैसे बता रहे हो तो ज़ीरो ज़ीरो में इंडेक्सिंग के हिसाब से बता रहा हूँ ठीक है जैसे कि यार एरे में ये आपका जीरो इंडेक्स था बट ये तो आप यहाँ पे पहला ब्लॉक है आपका है ना इसकी लेंथ तो वन है ओके तो सेम यही है इसका रो वन है बट इंडेक्स ज़ीरो से ही शुरू होता है एरे स्टैंडर्ड एरे ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द इंडेक्स ज़ीरो ओके अब ये रो तो आपकी जीरो रो ही रहेगी देखो तो यहाँ पे रो चेंज नहीं हुई यहाँ पे कॉलम इंक्रीज हो गया यहाँ पे भी रो चेंज नहीं हुई कॉलम इंक्रीज हो गया एंड सेम फॉर दिस कॉलम एज वेल है ना इंक्रीज हो गया बट यहाँ पे क्या हुआ यहाँ पे कॉलम फिक्स है देखो पहला ही कॉलम है ना ये इसको आप एक कॉलम बोलोगे पूरे ब्लॉक को इस पूरे को एक कॉलम ठीक है तो यहाँ पे कॉलम का जो वैल्यू है वो जीरो फिक्स रह गया बट रो का जो वैल्यू है वो इंडेक्स वाइज बढ़ते चले गया तो ये जीरो इंडेक्स था अकॉर्डिंग टू द रो ये फर्स्ट इंडेक्स अकॉर्डिंग टू द रो एंड सेम फॉर ये ऑल्सो ठीक है तो इस तरीके से आपको पता चला है कि यार यहाँ पे कॉलम फिक्स है यहाँ पे कॉलम सबके वन 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 होंगे यहाँ पे सबके कॉलम टू 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 होंगे यहाँ पे थ्री 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 होंगे क्योंकि जो भी कॉलम है उसका लास्ट माइनस वन मतलब फोर माइनस वन विच इज थ्री तो मैक्सिमम कॉलम यहाँ पे थ्री इंसेट होंगे एंड मैक्सम रो यहाँ पे थ्री इंसेट होगी क्योंकि रो यहाँ पे भी फोर है तो फोर बाय फोर का आपको यहाँ पे टू डी एरे दिख रहा है तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे फोर इंटू फोर विच इज़ सिक्सटीन तो काउंट कर लो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह तो सिक्सटीन हो चुके है तो इस तरीके से आप टू डी में बता सकते हो अब यार एक बात थी कि यार वन डी एरे बहुत सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा सिंपल लगता है तो वन डी एरे के अंदर आप एलिमेंट को इंसर्ट भी बहुत ज़्यादा आसान तरीके से कर सकते हो वो हम अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझेंगे कि इंसर्शन का क्या कोड होता है एंड कोड इमेज के हिसाब से समझेंगे है ना क्योंकि अब सब चीज़ कोड इंप्लीमेंट करते रहेंगे कोडिंग वाला पार्ट दिखाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा मैं कोड समझाऊंगा अब आपको क्योंकि वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कोड आप मेरे ट्रू इंजीनियर वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उससे उस आप इस तरीके से समझने वाले हो ठीक है जो भी मैं कोड लिखूँगा उसका स्नैप या स्क्रीन शॉट आपको समझा दूंगा ओके एक एक लाइन समझेंगे कोई दिक्कत नहीं है तो सेम जब भी हम इसमें इंसर्शन समझेंगे डिलीशन समझेंगे तो उस सब चीज़ का भी अपन एक कहकर रखेंगे एक कोड का स्नैप देखेंगे ठीक है समझ में आ रही बात तो आपको पता चलेगा कि यार वन में या फिर जो नॉर्मल वन डी एरे या नॉर्मल एरे है उसमें काफ़ी ज़्यादा आसान होता है सर्चिंग भी एंड बाकी सारी चीज़ें क्योंकि उसमें सिंगल लूप लगता है क्योंकि अपन एक ही चीज़ को ट्रैवर्स कर रहे हैं है ना सिर्फ एक रो को यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक सिंगल रो है तो ये चीज़ तो है ये सिंगल रो ही है बट यहाँ पर क्या मल्टीपल कॉलोन्स भी हैं तो टू डी एरे में थोड़ा ट्रैवर्सल है ना टू डी एरे का ट्रैवर्सल थोड़ा सा ज़्यादा टफ हो जाता है एज़ कम्पेयर टू वन डी ईर नॉर्मल एरे के अकॉर्डिंग तो नॉर्मल एरे के अंदर सारे ऑपरेशन जो होगा ने पढ़े थे ऑपरेशन में इंसर्शन वगैरह ठीक है डिलीशन वगैरह और दुनिया भर के और ऑपरेशन से सर्चिंग शॉटिंग वगैरह तो वो थो, बहुत ज़्यादा सिंपल जाते के 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 हो जाते हैं एरे के केस में बट यार टू डी एरे के केस में थोड़े से डिफ़िकल्ट हो जाते हैं क्योंकि आप एक लूप रो के लिए लगेगा मतलब एक कॉलम के लिए तो दूसरा रो के लिए इस तरीके से या फिर आप बता सकते हो एक रो के लिए तो दूसरा कॉलम के लिए ठीक है तो दोनों तरीके से हो सकते हैं रो वाइज़ एंड कॉलम वाइज़ दोनों तरीके से अब अपन इसका नॉर्मल एक कोड देखते हैं कि अपने को टू डी एरे तो अपन ने बना लिया उसके अंदर डेटा कैसे इंसर्ट करना है और डेटा को कैसे प्रिंट करना है ठीक है क्योंकि हमने वन डी एरे को तो समझा था कोड करके समझा था अब मैंने आपको बता दिया अब आगे करके जितने भी ऑपरेशन अपन परफॉर्म करने वाले हैं या फिर कोडिंग वाला जो पार्ट है वो अपन स्नैप के हेल्प से करेंगे कि आपका टाइम थोड़ा सा बच जाए ओके तो ये तो सिंपल सी लाइन है मेन से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्या कि अपन ने एक एरे बनाया अब एरे सिंगल एरे बना रहे थे तो एक स्क्वायर ब्रैकेट की हल से बना रहे थे और एलिमेंट डाल रहे थे ठीक है बट अपन ने यहाँ पर टू डी एर बनाना है तो यहाँ पे अपने को दो स्क्वायर ब्रैकेट्स बनाने पड़ेंगे द फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट टू योर रो ठीक है तो फर्स्ट स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है रो तो इसका मतलब क्या है कि यार यहाँ पे चार रो होने वाली है सो दिस इज योर फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो एंड फोर्थ रो एंड दो आपको जो सेकेंड चीज़ है वो रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे जो सेकेंड स्क्वायर है वो रिप्रेजेंट करता है तुम्हारा कॉलम तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये आपके कितने कॉलम हुए दो कॉलम हुए ठीक है तो इस तरीके से ये रिप्रेजेंट करेगा रो वाइज एंड कॉलम वाइज ठीक समझ में आ रही बात तो इस तरीके से दिख रहा है कि ये एक दो एक दो एक दो एक दो मतलब ये कुछ यहाँ से लेके इधर तक का है ठीक है मतलब चार रोज हो गई एंड दो कॉलम्स हो गए तो मतलब ए जीरो से लेके इधर तक का चीज़ दिख रहा है ठीक है इतना इतना पार्ट नहीं दिख रहा ओके तो ये कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है समझ में आ रही बात ये रिप्रेजेंट करा आपके नंबर ऑफ़ रोज एंड ये रिप्रेजेंट करा आपका नंबर ऑफ़ कॉलम्स तो इससे क्या पता चला कि टू डी एरे अपन ने बना लिया क्योंकि यहाँ पे दो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं फर्स्ट रिप्रेजेंट टू योर रो एंड द सेकेंड रिप्रेजेंट टू योर कॉलम एंड अब इसके अंदर एलिमेंट इंसर्ट कर रहा तो फर्स्ट रो में आपके दो दो एलिमेंट चले गए टेन एंड एलेवन ठीक है तो यहाँ पे चलता है तो ये टेन हो गया एंड ये एलेवन हो गया आपने इस तरीके से डाला एंड ये ट्वेंटी और ट्वेंटी वन तो ये ट्वेंटी हो गया ये ट्वेंटी वन हो गया सेम थर्टी थर्टी वन फोर्टी फोर्टी वन तो दस ग्यारह बीस इक्कीस तीस इकतीस एंड चालीस और इकचालीस इस तरीके से आपने एलिमेंट डाल दिए और इस तरीके से आपका फोर बाई टू का मैट्रिक्स तैयार है ठीक है तो इस तरीके से आपका एरे जिसका नाम है टू डी एरे ठीक है वो तैयार है क्लियर बात अब आई और जे क्या है दो वेरिएबल है आई रिप्रेजेंट करेगा आपकी रो को कि आप रो वाइज ट्रैवर्स कर रहे हैं ठीक है थीके? तो आई जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड जे रिप्रेजेंट कर रहा है आपके कॉलम को सो so, यहाँ पे मैंने बताया दो बार रूप चलाना है तो अगर अपने को यही वैल्यू को प्रिंट करना है ना तो अपन किस तरीके से करेंगे तो पहले तो हर एक रो के लिए चलाएंगे जब मेरा रो जीरो से लेके फोर्थ तक चलेगा लेस देन फोर्थ तक मतलब पहले इस वाले रो पे होंगे ये दोनों एलिमेंट टेन और एलेवन प्रिंट होगा फिर आई बढ़ जाएगा तो रो टू में चले जाएंगे देन रो थ्री में एंड देन रो फोर में ठीक है तो इस तरीके से अपना ये लूप चलेगा ओके और अंदर वाला लूप क्या है कॉलम के लिए तो जे रिप्रेजेंट टू योर कॉलम जीरो से लेकर टू तक चलेगा मतलब इसके लिए चलेगा ठीक है और हर बार वैल्यू प्रिंट करेगा तो एरे ऑफ आई कॉमरजे एरे ऑफ आई कॉमर जे रिप्रजेंट करेगा पहले के लिए ज़ीरो ज़ीरो क्योंकि ये देख रहे हो जीरो जीरो है ना एरे ऑफ जीरो ज़ीरो एरे ऑफ जीरो ज़ीरो में पड़ा है टेन तो पहले प्रिंट हो जाएगा टेन देन क्या होगा फॉरवर्ड स्लैश टी मतलब टैप जाएगा स्पेस आ जाएगा इनडायरेक्टली मैं कहूँ तो आपको फिर एलेवन प्रिंट होगा क्योंकि ज, आई तो आपका ज़ीरो है बट जे इनक्रीज हो गया फिर ये वन हो जाएगा ठीक है तो मतलब ये वाली वैल्यू प्रिंट हो जाएगी ध्यान से देखो आई आपका जीरो ही रहेगा और कॉलम की वैल्यू इंक्रीज़ होकर बन हो जाएगी ठीक है तो ये आपका फिर आपकी इलेवन वाली वैल्यू प्रिंट कर देगा तो पहले टेन प्रिंट होगा देन इलेवन एंड देन सेम फॉर अदर्स क्योंकि आप अपने एंड लाइन दे दिया तो हर चीज़ नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगी एंड इस तरीके से आपको सारा वैल्यू मिल जाएगा तो ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया अब आपके माइंड में डाउट हो रहा रोगे भैया कोड भी कर देते तो यही सेम चीज़ आप कोड करके लिखोगे तो सी प्लस प्लस में ये कोड आपका चल जाएगा एंड आप लोग कमेंट में बता सकते हो हाँ भैया आपका कोड चल चुका है ठीक है क्योंकि एग्जैक्ट सेम चीज़ मैंने खुद इम्प्लीमेंट करी है और आउटपुट मिला है तो दैट्स में आपको समझा रहा हूँ मैं तो ये आपने को समझ में आ गया कि किस तरीके से टू डी आर बनता है टू डी आर में प्रिंट किस तरीके से होता है तो वो बात समझ में आ गई सो so, मैं होप कर रहा हूँ कि आपको एक पार्ट भी क्लियर हो गया होगा एंड कोडिंग वाले जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि यार ये रो है ये कॉलम है इस तरीके से एंटर करते हैं एलिमेंट्स एंड सेपरेट करते हैं कॉमा से तो कॉमा लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लास्ट में सेमी कॉलर लगा देना जैसे ही खत्म हो रहा है उसके बाद आई और जो आपके वेरिएबल्स है आई रिप्रेजेंट टू योर रो एंड जी रिप्रेजेंट टू योर कॉलम उसके बाद आप कुछ नहीं कर रहे हो यहाँ पे प्रिंट कर रहे हो ठीक है तो इस तरीके से यार आप समझ सकते हो टू डी एरे में वैल्यूज़ जाती हैं और जीरो 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 वन इस तरीके से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है ये भी आपको पता चल गया कि फ़र्स्ट ब्लॉक को इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है सेकेंड को इस तरीके से एंड सेम फॉर अदर्स ओके एंड वन डी एरे में क्या चीज़ थी वो भी समझ गया अब इसके अंदर कुछ बेसिक ऑपरेशन जैसे इंसर्शन वगैरह वगैरह तो वो अपन अब धीरे धीरे करके नेक्स्ट वीडियो उसके अंदर समझना स्टार्ट करते हैं सो so, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बाय